हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि पुराने टेबल पर न्यू पॉलिश किस तरह किया जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो को आप पूरा देखें। अगर इस पॉलिश की जानकारी चाहिए आपको तो ये वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह अपने पॉलिश चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यह टेबल पुराना बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस पे हम न्यू पॉलिश करेंगे। न्यू पॉलिश करने के लिए पहले हम पॉलिश को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम ग्राइंडर लगाएंगे। ग्राइंडर में जो पेपर यूज करते हैं वो हमने 60 नंबर और 80 नंबर का प्रयोग किया है। तो पहले प्रॉपर ग्राइंडर लगा लेना है। ग्राइंडर लगाने के बाद इसमें रेगमाल लगाएंगे। दोस्तों, फिर इसके बाद ग्राइंडर लगाने के बाद रेगमाल लगाएंगे। रेगमाल आप 60 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर 80 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने 2 दिन पहले सोफे पर वीडियो बनाकर डाला था, बिल्कुल सेम प्रोसेस इस पर भी रहेगा। इस तरह हमने सोफे पर पॉलिश किया था, न्यू पॉलिश किया था, उसी तरह इस पर भी हमने पॉलिश करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, रेगमाल लगाने के बाद हम टर्की ब्राउन अंबर लेंगे और साथ में चपला पॉलिश लेंगे। उसको दोनों ऐड करके अच्छी तरह घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद कपड़े की मदद से दो दो हाथ अप्लाई कर देना है। दोस्तों, ये लकड़ी है आम की, जो टेबल पर हम पॉलिश कर रहे हैं लकड़ी आम की है। दो हाथ कलर अप्लाई करने के बाद दोस्तों इसमें हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए पुट्टी बनाएंगे। पुट्टी चाहे आप मार्केट से बनी बनाई ले सकते हैं, वुड फिलर का नाम है उसका। आप उसको अगर मार्केट में वुड फिलर बोलेंगे तो वुड फिलर आपको दे देंगे। कलर आपको कई मिल जाएंगे, जैसे कि वॉलनट, वाइट, टीक कलर। अगर आप चाहें तो हाथ से बना लें पुट्टी। तो देखिए दोस्तों, हमने कलर अप्लाई कर दिया दो हाथ। अब इस पर हम रिपेयर करेंगे। ये हमने पुट्टी बना कर रखा था पहले से, और उसको एक पत्ती की मदद से सभी जगह चेक कर लेना है। जहाँ पत्ती नहीं लग सकती वहाँ पे हाथ से भरे उंगली की मदद से, जहाँ पत्ती लग सकती है पत्ती लगा दें। तो रिपेयर करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद इसमें रेगमाल लगाना है 150 नंबर का। और रेगमाल को दबा कर लगाएं, बिल्कुल पुट्टी को बराबर कर देना है। अगर कलर कटता है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस पर दोबारा हम कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बेस तैयार नहीं हुआ है, फाइनल बेस नहीं हुआ है। आप कलर अप्लाई करने से पहले भी पुट्टी लगा सकते हैं, पुट्टी रिपेयर कर सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो कलर दो हाथ अप्लाई करने के बाद पुट्टी करें, रिपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, हमने रेगमाल लगा दी। रेगमाल लगाने के बाद कलर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। तो कलर हमने पहले बनाया था लाल जाना, या फिर आप यूज कर लें या चपड़ा पॉलिश यूज कर लें। अगर आपके पास लाकजाना नहीं मिलता चपड़ा पॉलिश यूज करें, चपड़ा पॉलिश नहीं मिलता तो लाकजाना यूज कर लें। और उसमें टर्की ब्राउन कलर अंबर डाल दें, यानी ऐड कर दें। अगर आप दूसरा कलर कर रहे हैं दूसरा कलर उसमें ऐड कर दें, जैसे कि रेड कर रहे हैं या येलो कलर कर रहे हैं या फिर रेड ब्राउन कलर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इसमें वॉलनट कलर करूँगा, इसलिए मैं बेस बना रहा हूँ ब्राउन कलर का। देखिए दोस्तों, हमने बेस बना लिया है, बिल्कुल फाइनल बेस हो गया है। अब इस पर हम एनसी सैंडी सिलर अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पर रेगमाल लगाएंगे। रेगमाल आप 320 नंबर का प्रयोग करें या फिर 220 नंबर का। अच्छी तरह से रेगमाल लगाने के बाद इस पर आप सिलर अप्लाई कर दें। अगर आप कलर करना चाहते हैं वॉलनट कलर या रेड ब्राउन कलर या कोई और कलर आप करना चाहते हैं या ब्लैक कलर करना चाहते हैं तो आप सिलर में ऐड कर दें। तो इस पर हम वॉलनट कलर करेंगे, तो इसमें हम सिलर में वॉलनट कलर को ऐड करेंगे। ये है एनसी सैंडी सिलर। ये हमारा है नेरोलैक का वंडर वुड वुड स्टेनर वॉलनट कलर है। इसकी MRP 71 रुपये, लेकिन ये 65 रुपये में आराम से मिल जाता है। तो इसको एनसी सैंडी सिलर में हम ऐड कर देंगे कलर करने के लिए। इससे दो फायदा होगा दोस्तों, हमारा सिलर भी चढ़ जाएगा अच्छी तरह से, और उसके बाद इसमें कलर भी सेट हो जाएगा, दोनों फायदा हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो पहले इसको कलर अप्लाई कर सकते हैं लाकजाना या चपड़ा पॉलिश में मिलाकर, लेकिन दोस्तों इस तरह करने में मुझे अच्छा लगा, मुझे सही लगा, तो मैंने ऐसा किया। तरीका बहुत सारे हैं करने का, कलर जो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं।
तो प्रॉपर सिलर भरने के बाद, कलर सेट करने के बाद, इसमें हम 320 नंबर या 220 नंबर जो ओल्ड पेपर हो तो बिल्कुल ख़राब हो चुका हो उसको दबा कर लगा देना है। आप कहीं पर अगर कलर कटता है तो कलर को सेट कर देना है, टचिंग कर देना है, उसके बाद आप टॉप कोट कर दें। लेकिन सिलर की भराई करने के बाद कम से कम 6 घंटा तक कुछ छोड़ देना है। दोस्तों हमने सिलर अप्लाई कर दिया, सिलर की फुल भराई कर दिया, हमने कलर भी सेट कर दिया। अब इस पर हम टॉप कोट करेंगे। टॉप कोट के लिए हमने चंदस का प्रयोग किया है। तो ये हमने डब्बे में चंदस गला कर रखा है। चंदस को ऐसे थिनर में गलाया जाता है। चंदस को एक डब्बे में थिनर में डाल दें, थिनर मिक्स कर दें और उसको धूप में रख दें पॉलिश करने से एक दिन पहले या 6-7 घंटे पहले। बिल्कुल गल जाएगा, गलने के बाद बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। फिर उसको एक डब्बे में निकाल कर कपड़े की मदद से मारें, ब्रश से नहीं मारें। ब्रश अगर करेंगे वो बिल्कुल उसकी शाइनिंग ख़राब आएगी। अगर आपको प्यू जैसी पॉलिश लेना है, प्यू जैसी पॉलिश करना है, तो आप कपड़े की मदद से अप्लाई करें और दबा दबा के हाथ अप्लाई करें। लेकिन पहला और दूसरा हाथ आप हल्के हल्के हाथों से करें, उसके बाद दबा दबा के अप्लाई करें। चंदस को पतला ही प्रयोग करें, मोटा नहीं मारें, नहीं कि कपड़े की दाग आ जाए, गद्दी के निशान पड़ जाते हैं। और इसको आप 10 से 12 हाथ या 15 हाथ जितना आप चाहे उतना अप्लाई करते रहें। सुखा थोड़ा वेट करके अप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों इसमें शाइनिंग आ गई है, इसमें चमक आ गई है, बिल्कुल ये न्यू हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या थी पहले, अभी क्या हो गई है। तो दोस्तों आप अपने घर में वुडन फर्नीचर जो पुराना हो चुका हो, बिल्कुल ख़राब हो चुका हो, उसको एकदम बिल्कुल नया बना सकते हैं, नया जैसा। आप लो बजट में बिल्कुल एक नंबर की शानदार पॉलिश कर सकते हैं एनसी पॉलिश। और इसमें कम से कम खर्चा भी आता है और एक शानदार पॉलिश भी हो जाती है, बिल्कुल हाई ग्लॉस पॉलिश। तो आप पीओ पॉलिश या मलयमान पॉलिश करवाना चाहेंगे तो बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये एनसी पॉलिश बिल्कुल सस्ती पॉलिश होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।